नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइफ हाई टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं जून बैच। जी हाँ दोस्तों, यानी कि RSET का जो जून बैच है उसका जो एग्जाम होने वाला है 18 नवंबर 2018 को, उस एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आज आपके लिए लेके आए हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई MCQ वीडियो नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक ढूंढे हैं जो कि RSET में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, पर रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हाई टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। दोस्तों ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ये 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। यहाँ पे साइड में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है तो आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो। बस टोपोलॉजी LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ यूज होती है और यह बाकी टोपोलॉजी से सस्ती होती है। इसमें इंटरफेस कनेक्टर की मदद से प्रत्येक नोड एक ही केबल से जुड़ा होता है। इसमें एक केंद्रीय केबल लगी होती है जो इस नेटवर्क की रीड मानी जाती है। बस टोपोलॉजी केवल एक तार पर आधारित होती है, अर्थात इसमें एक केबल उपयोग में लिया जाता है, जिसके कारण अगर इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो पूरा नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। और दोस्तों वह डिवाइस जो एक नेटवर्क से जुड़ी होती है नोड्स कहलाती है। यह एक कंप्यूटर, प्रिंटर आदि हो सकता है। ओके गाइस, आपको पता चल गया कि नोड्स किसे कहती हैं। अब चलते हैं दोस्तों स्टार टोपोलॉजी की तरफ। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसका जो आकार यानी कि जो ढांचा होता है वो एक स्टार की तरह होता है, उसी कारण इसको स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, बिल्कुल जो केंद्र में है उसे हब कहते हैं। अगर केंद्रीय हब खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रिंग टोपोलॉजी। इसका आकार वृत्ताकार यानी कि एक रिंग के समान होता है। रिंग टोपोलॉजी डेटा को ओनली एक दिशा में ही भेजती है। जिस प्रकार की घड़ी की सुई एक दिशा में चलती है, उसी प्रकार रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा होता है वो एक दिशा में ही भेजा जाता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड्स यानी कि दोस्तों नोड्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह ये नोड्स होती हैं। यहाँ तक कि अगर आपका मोबाइल किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो ये भी नोड्स कहलाएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड्स में एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर लगा होता है ताकि नोड्स डेटा को प्राप्त करके आगे वाले नोड्स को भेज सके। यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक नोड्स होता है उसके पास पहले डेटा आता है और वो फिर उसके आगे वाले नोड्स के पास भेजता है। इसी प्रकार से आगे वाला नोड्स है वो डेटा को प्राप्त करता है और आगे वाले नोड्स की तरफ भेजता रहता है। इस प्रकार पूरी रिंग के अंदर डेटा घूमता रहता है ओनली एक दिशा के अंदर। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आती है ट्री टोपोलॉजी। अब आपको बता दें जो ट्री टोपोलॉजी होती है ये जो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि उन दोनों को मिला के ट्री टोपोलॉजी का निर्माण किया गया है। ओके नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड नेटवर्क दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी को मिलकर बनाया जाता है। इसके उदाहरण दोस्तों एक तो स्टारलिंक नेटवर्क और एक स्टार बस नेटवर्क। ओके नेक्स्ट है दोस्तों मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड्स डेटा को वितरण और संचारण कर सकता है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर जितने भी नोड्स होते हैं वो नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए किसी भी अन्य नोड्स की तरफ डेटा आसानी से भेज सकते हैं। और दोस्तों यह जो टोपोलॉजी होती है ये काफी विश्वसनीय होती है। इसमें एक नोड से दूसरे नोड्स तक डेटा भेजने के लिए एक से अधिक मार्ग होते हैं, ताकि अगर एक मार्ग से डेटा नहीं पहुंच पाता तो दूसरे मार्ग से आसानी से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो ये तो थी नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी हम चलते हैं आगे वाले बी नंबर ऑप्शन पे, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे हम कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। यह मेमोरी कंप्यूटर के काम आने वाली सबसे तेज मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चलता भी नहीं है। दोस्तों रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि बिजली के जाने के बाद में इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है, और इसके अंदर जानकारी को पढ़ना और लिखना दोनों कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों यह लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है। और दोस्तों रैम को भी दो भागों में बांटा गया है,
डीरेम और एसरेम, यानी कि डीरेम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एसरेम की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके दोस्तों, तो ये तो था रैम। अभी पढ़ते हैं हम रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि दोस्तों यह केवल डेटा को पढ़ सकती है बट लिख नहीं सकती। और दोस्तों यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अगर बिजली चली भी जाए तो भी इसके अंदर जो डेटा होता है वो सुरक्षित पड़ा रहता है। पर दोस्तों इसके अंदर जो डेटा होता है वो एक बार ही संग्रहित किया जाता है, उसे हम बदल नहीं सकते। यानी कि दोस्तों रोम के अंदर एक बार जो डेटा स्टोर हो जाता है वो बाद में नहीं तो बदला जाता है और नहीं उसमें और ऐड किया जाता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों रोम के भी कुछ प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। दोस्तों इसके अंदर पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम की होती है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों ईईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, तो ये तो थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। अभी हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है। इसके अंतर्गत HDD, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि होती हैं। और दोस्तों जो HDD होती है इसका उपयोग लंबे समय तक कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके दोस्तों, और दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर ऑप्टिकल डिस्क भी होती है, जैसे की CD, CDR, DVD, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है। चलिए इन सभी की फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और CDRW की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यानी कि दोस्तों इसके अंदर हम डेटा को बार बार लिख सकते हैं। पर दोस्तों आपको बता दें, जो नॉर्मल CD और DVD होती हैं उसके अंदर डेटा ओनली एक बार ही फीड किया जाता है। अगर आपने किसी भी नॉर्मल CD के अंदर एक सॉन्ग डाल दिया तो बाद में उसके अंदर आप और सॉन्ग नहीं डाल सकते, अर्थात जो नॉर्मल CD होती है उसके अंदर हम एक बार ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों DVD और DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। और दोस्तों DVD की आगे वाली PD भी आ चुकी है जिसका नाम है ब्लू रे डिस्क, और इसके अंदर हम 50 से लेकर 500 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर की मेमोरी जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस की है। अब चलते हैं हम नंबर सी ऑप्शन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विंडो 10 के बारे में। तो चलिए इसे खत्म करें और उसे शुरू करें। विंडो 10 को 29 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए विंडो 10 के कुछ फीचर हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल डेस्कटॉप। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यानी कि एक से अधिक डेस्कटॉप बना के उनका यूज कर सकते हो। जैसे कि आप ऑफिस के अंदर हो तो आपको अलग डेस्कटॉप चाहिए होता है और घर पे आपको अलग डेस्कटॉप चाहिए होता है, तो वो इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर आप एक से ज्यादा डेस्कटॉप आसानी से बना सकते हो और उनके बीच में स्विच भी कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आपको एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे जाना है तो आप बहुत ही आसानी से जा सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में। दोस्तों विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के द्वारा रिप्लेस किया गया है, अर्थात इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर होता है। और दोस्तों विंडो 10 के अंदर उसी को ही माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दिया गया है और उसके अंदर कुछ अदर फीचर ऐड किए गए हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के कुछ बहुत ही अच्छे फीचर बताता हूँ। यह पहला ऐसा ब्राउजर है जिसपे आप सीधे ही वेब पेज पर नोट्स लिख सकते हो, और यह गूगल के डूडल के बारे में भी बताता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि डूडल क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी दोस्तों आप गूगल के सर्च इंजन पे जाते हो, यानी कि सर्च इंजन के होम पेज पे, वहां पर आपको गूगल का एक लोगो दिखाई देता है। तो दोस्तों ये लोगो यहाँ पे चेंज होता रहता है, कभी कैसा होता है तो कभी कैसा होता है, तो दोस्तों इसी को ही डूडल कहते हैं। ओके चलिए अभी वापिस आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा हम वेब पेज को हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम किसी भी आर्टिकल को ऑफलाइन सेव करके उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विंडोज स्टोर। दोस्तों जिस प्रकार हम एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर कोई भी ऐप डाउनलोड करके और उसका यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी गेमिंग ऐप डाउनलोड करके उसमें हम गेम खेलते हैं, इसी प्रकार जैसे कि ई बुक के ऐप भी होते हैं उनके अंदर हम ई बुक पढ़ते हैं, कुछ वीडियो ऐप भी होते हैं जिसके अंदर हम वीडियो देखते हैं। तो इस प्रकार के ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है। उसी प्रकार से दोस्तों विंडो 10 के अंदर भी एक फीचर दिया गया है, वहां पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर उसका यूज कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। जैसे आप एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करते हो, वैसे दोस्तों विंडो 10 के अंदर भी हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए विंडो 10 के नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं।
आगे वाला जो फीचर है यह है कोर्टाना। यह एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट होता है। चलिए इसकी कुछ रोचक बातें आपको बताता हूँ। आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर की गई फाइलों को ढूंढने में यह आपकी मदद करता है, और अगर आप कुछ भूल जाते हो तो उसे भी ये याद करवा देता है। और दोस्तों इसके साथ आप चैट भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये आपको अपना पसंदीदा म्यूजिक भी सुनाता है। और दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि आप इसके साथ बात भी कर सकते हो। आप माइक्रोफोन और हेडफोन लगा के इसके साथ आसानी से बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से कोर्टाना एक बहुत ही अच्छा फीचर है विंडो 10 के अंदर। चलिए हम चलते हैं विंडो 10 के नेक्स्ट फीचर की तरफ। यहाँ पे है मैक इनपुट पैनल। यह विंडो 10 का इनबिल्ट फीचर है, यानी कि दोस्तों यह विंडो 10 के साथ पहले से ही आता है। जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों मैथ के स्टूडेंट को फॉर्मूले को लिखना पड़ता है, तो उसके अंदर आप आसानी से फॉर्मूले को हाथ से या फिर माउस पॉइंटर से आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों स्निपिंग टूल। विंडो 10 का ये भी बहुत अच्छा फीचर है। इसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसे कैप्चर कर सकते हो, यानी कि दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़ी ही आसानी से। विंडो 10 का एक और बेहतरीन फीचर है मोबिलिटी सेंटर। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो मोबिलिटी सेंटर होता है ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले दोस्तों ब्राइटनेस। इसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर की जो चमक होती है उसे आसानी से मैनेज कर सकते हो, यानी कि कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों वॉल्यूम। यहाँ पे आप स्पीकर की आवाज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो या फिर उसे बंद भी कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बैटरी स्टेटस। अगर दोस्तों आप यूज करते हो लैपटॉप तो दोस्तों विंडो 10 के अंदर आपको वहाँ पे दिखाता रहता है कि आपकी बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो चुकी है या फिर कितने परसेंट आपने यूज कर ली, और यह फीचर ये भी बताता है कि आपकी बैटरी कितने टाइम तक और चलने वाली है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके बाद में दोस्तों वायरलेस नेटवर्क। इसके द्वारा दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को आसानी से हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हो या फिर किसी भी वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों स्क्रीन रोटेशन, यानी कि अगर आपको अपने मॉनिटर की स्क्रीन को पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसे उल्टा सीधा करना हो आसानी से आप स्क्रीन रोटेशन ऑप्शन के द्वारा कर सकते हो, जो कि विंडोज मोबिलिटी सेंटर में पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सटर्नल डिस्प्ले। इसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के साथ एक से ज्यादा मॉनिटर अटैच कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों ये भी काफी अच्छा फीचर है। ओके दोस्तों तो अभी हमने विंडोज 10 को कवर कर लिया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में। तो चलिए फिर क्लाउड स्टोरेज को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को ना पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद में ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से हम पढ़ लेते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में। यह एक सर्विस मॉडल है जहां यूजर को नेटवर्क के माध्यम से डेटा प्रदान किया जाता है और डेटा की सार संभाल और बैकअप लिया जाता है। अगर दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे कि इंटरनेट पे एक मेमोरी कार्ड रखा होता है जिसे कि आप फ्री में यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप डेटा अपना अपलोड कर सकते हो और उस डेटा को किसी के साथ साझा कर सकते हो और उसे बाद में डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो ये होती है सिंपल लैंग्वेज में क्लाउड स्टोरेज की परिभाषा। तो चलिए अब हम क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों गूगल ड्राइव। दोस्तों गूगल ड्राइव के अंदर आप ऑनलाइन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है, यानी कि दोस्तों 15 GB तक आप कोई भी डेटा अपना यहाँ पे रख सकते हो। अगर दोस्तों आपने अपनी जीमेल आईडी पहले से बना रखी है तो दोस्तों गूगल के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूट्यूब, जीमेल, मैप, ट्रांसलेटर, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का भी फीचर मिलता है, तो वहां से आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। इसके बाद में दोस्तों आता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। यह दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे कि गूगल ड्राइव है वो गूगल के द्वारा प्रदान की जाती है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रदान की जाती है। विंडो 8 और विंडो 10 के अंदर आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों ड्रॉपबॉक्स। आपको बता दी यह बहुत ही पसंदीदा और भरोसेमंद क्लाउड स्टोरेज है, और दोस्तों यह विंडो, मैक, एंड्रॉइड, लिनक्स आदि के अंदर इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों क्लाउड स्टोरेज भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। तो चलिए वेब ब्राउजर। दोस्तों ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को खोजने और प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के उपयोग में आता है। यानी कि दोस्तों अगर हमें इंटरनेट का यूज करना है तो हमारे पास ब्राउजर तो होना चाहिए। लोकप्रिय ब्राउजर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल का सफारी, नेटस्केप नेविगेटर आदि वेब ब्राउजर होती हैं। तो ये थे दोस्तों वेब ब्राउजर। अभी हम पढ़ते हैं सर्च इंजन के बारे में। दोस्तों जब भी हमें इंटरनेट पे कुछ खोजना होता है
तो हमें सर्च इंजन का सहारा लेना पड़ता है, और यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों गूगल, गूगल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और दोस्तों ऑलमोस्ट 99% लोग गूगल का ही यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिंग, याहू, बाइडू। बाइडू एक चाइना का सर्च इंजन है दोस्तों, जो ओएल सर्च इंजन है। इसे पहले अमेरिकन ऑनलाइन कहा जाता था, बट दोस्तों अभी इसका नाम ओएल कर दिया गया है। तो ये थे सर्च इंजन, चलिए इसे खत्म करें और अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर वे उपकरण जिनका भौतिक स्वरूप होता है हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों जिस कंप्यूटर डिवाइस को एक आकार या फिर एक ढांचे के अंदर डाला गया है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। दोस्तों हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनपुट होता है और एक होता है आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों ये वे होते हैं जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड पे टाइप तो बाहर करते हैं, बट वो जो कीबोर्ड में टाइप हो रहा होता है वो इसके अंदर टाइप हो रहा होता है, तो यानी कि जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माउस है जैसे कि अपने माउस यूज करते हैं, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पैन, वेव कैम आदि, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो ये तो था इनपुट डिवाइस। इसके बाद में दोस्तों आउटपुट डिवाइस, ये डिवाइस डेटा को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ताकि यूजर को आसानी से समझ में आ सके। जैसे कि मॉनिटर, अभी कंप्यूटर हमें दिखाता रहता है कि हाँ भी कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा होता है और वो हमारे आसानी से समझ में आता रहता है। इसके अलावा दोस्तों प्रिंटर जो होता है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है, और दोस्तों मॉनिटर जो होता है वो हमें सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। इसके साथ साथ दोस्तों स्पीकर, प्रोजेक्टर ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हार्डवेयर। अगर कोई डाउट हो तो नो प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। दोस्तों प्रिंटर के माध्यम से हम किसी भी इमेज या फिर टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट को कागज पे छाप सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों जो प्रिंटर होते हैं ये हार्ड कॉपी प्रदान करते हैं, जैसे कि मॉनिटर में मैंने आपको बताया था वो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है और ये हार्ड कॉपी प्रदान करते हैं। और दोस्तों प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता होती है वो DPI में मापी जाती है, यानी कि डॉट पर इंच में मापी जाती है। ओके, प्रिंटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर होता है और एक होता है लाइन प्रिंटर। तो पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर सबसे पहले है कैरेक्टर प्रिंटर। दोस्तों जो कैरेक्टर प्रिंटर होती है ये एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट कर पाते हैं, और दोस्तों जैसे कि डॉट मैट्रिक्स हो गया और डेजी बाइल हो गया, ये प्रिंटर भी एक समय में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करते हैं, और ये दोनों प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक रिबन लगा होता है जिसके माध्यम से इसके अंदर जो अक्षर होते हैं वो प्रिंट होते रहते हैं, और दोस्तों जब भी ये चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो यूज होता है वो बड़े बड़े व्यवसाय में इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों कैरेक्टर प्रिंटर के अलावा लाइन प्रिंटर जो होता है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इसको चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है, और दोस्तों इसके अंदर भी रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर होते हैं, जिसमें कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स और डेजी बहिल और लाइन प्रिंटर के अंदर चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। दोस्तों ये जो प्रिंटर होते हैं ये बहुत ही तेज काम करते हैं, और दोस्तों ये बहुत ही कम आवाज करते हैं। कुछ कुछ प्रिंटर तो आवाज बिल्कुल भी नहीं करती है इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर पाए जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके किसी भी इमेज को प्रिंट करता है, और दोस्तों इसके अंदर आप भिन्न भिन्न रंग यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही सस्ते होते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा लेजर प्रिंटर, इसका यूज व्यवसाय के तौर पे किया जाता है, यह बहुत ही ज्यादा तेज कार्य करते हैं, और दोस्तों इसके अंदर ज्यादातर ब्लैक कलर का यूज होता है। इस प्रकार के प्रिंटरों की जो गति होती है वो PPM में मापी जाती है, यानी कि पेज प्रति मिनट। इसके अलावा दोस्तों थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर भी अपना अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है ई कॉमर्स। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं ई कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों यानी कि ऑनलाइन जब भी हम कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं तो दोस्तों वो ई कॉमर्स कहलाता है। और दोस्तों ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स के प्रकार। सबसे पहले है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि B2C। अगर हिंदी में बोलें
तो व्यापार से ग्राहक, यानी कि दोस्तों अगर कोई कंपनी सीधे ही ग्राहक को माल बेचती है तो वो आता है B2C के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B। हिंदी के अंदर व्यापार से व्यापार, यानी कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को माल बेचती है तो वो आता है B2B कॉमर्स के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि C2B, इसका हिंदी में अर्थ होगा ग्राहक से व्यापार, यानी कि कोई ग्राहक है वो किसी कंपनी को माल बेचता है तो वो आता है C2B के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि C2C, हिंदी में अर्थ होता है इसका ग्राहक से ग्राहक, यानी कि एक ग्राहक अगर किसी दूसरे ग्राहक को माल बेचता है तो ये C2C के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, और इसके अलावा नेक्स्ट है एम कॉमर्स, यानी कि मोबाइल कॉमर्स, अर्थात मोबाइल से कुछ भी खरीदना हो या बेचना हो तो दोस्तों वो मोबाइल कॉमर्स कहलाता है। और दोस्तों आने वाली पीढ़ी में आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ वेबसाइट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि amazon.com, flipkart.com, स्नैपडील, पेटीएम, जबोंग, मंत्रा। ओके दोस्तों, तो ये कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ई कॉमर्स कंप्लीट हो चुका है और अभी हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक, ओके, ईमेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ईमेल। दोस्तों ईमेल एक मैसेज की तरह होता है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा आप बहुत सारे व्यक्तियों को मैसेज भेज सकते हो, बट दोस्तों इसे मेल के नाम से जाना जाता है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके दोस्तों, तो ये मेल भेजने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया जो कि गूगल का है, याहू मेल हो गया, आउटलुक हो गया, इनके द्वारा आप मेल भेज सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ईमेल भेजने के लिए, बट दोस्तों ये काफी पॉपुलर हैं। अगर दोस्तों हम किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे पास अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको अभी प्लेटफॉर्म बताए हैं जैसे कि जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, इनमें से किसी एक के अंदर साइन अप करना होगा। फिलहाल दोस्तों मेरे ख्याल से सभी की जीमेल आईडी तो होती ही है, तो जीमेल के माध्यम से हम आसानी से किसी को भी मेल भेज सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तो आपके पास उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जिसे हम हिंदी के अंदर ईमेल पता भी बोलते हैं। ये दोस्तों जब भी हम आईडी न्यू आईडी बनाते हैं उस टाइम हमें बनाना होता है, और दोस्तों इसे यूजर नेम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर आपसे ईमेल एड्रेस जो होता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, ओके, एक तो @ के पीछे वाला भाग होता है और एक होता है @ के पहले वाला भाग। ओके, तो ये होते हैं दो भाग। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर @ का सिंबल होता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और दोस्तों इसके अंदर दो डॉट एक साथ कभी भी नहीं होते और ना ही इसके अंदर कभी खाली जगह होती है, और इसके अंदर आप न्यूमेरिकल, अल्फाबेट और सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक आपको ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्रकार का ईमेल एड्रेस होता है। इसके अलावा दोस्तों जीमेल आईडी के अंदर काफी और भी फीचर होते हैं जिसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए उन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर कंपोज होता है, अगर दोस्तों आपको ईमेल लिखना होता है सेटिंग के अंदर तो आपको कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स के अंदर जो भी मेल आपके पास आती है तो वो आपको इनबॉक्स में दिखाई देगी। इसके अलावा दोस्तों ड्राफ्ट होता है, अगर दोस्तों आप कोई मेल लिख रहे हो और अचानक जैसे कि कंप्यूटर बंद हो जाए या फिर आप उस मेल को बीच में कट कर देती हो तो दोस्तों उस सिचुएशन के अंदर वो मेल ऑटोमेटिक ड्राफ्ट के अंदर जाके सेव हो जाती है, और वहां से आप उसे दोबारा से एडिट करके या फिर दोबारा से उसे भेज सकते हो। इसके अलावा दोस्तों स्पैम होता है, यानी कि जो भी अनचाही मेल हमारे पास आती है जिसके अंदर वायरस होने का खतरा होता है तो जीमेल उसे अपने आप ही छांट के स्पैम फोल्डर में स्टोर कर देता है और वो बता देता है कि ये मेल अनचाही ईमेल है और आप इनको डिलीट कर दीजिए, तो वहां से आप उनको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रैश फोल्डर होता है, ट्रैश फोल्डर के अंदर जो आप फाइलें डिलीट करते हो वो यहाँ पे स्टोर की जाती है, जिससे कि आपने अभी कोई फाइल डिलीट की तो वो ट्रैश फोल्डर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। दोस्तों ट्रैश फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल है वो 30 दिन तक स्टोर रहती है और उसके बाद भी वहां से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, यानी कि दोस्तों अगर आपने जैसे कि आज कोई मेल डिलीट कर दिया और कल आपको उसकी वापस जरूरत पड़ गई तो आप ट्रैश फोल्डर के अंदर जाके उसे वापस ले सकते हैं। ओके, दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे जिसके अंदर जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया और एमएस एक्सेल हो गया, इनको भी हम कवर कर लेंगे। और इस हिसाब से दोस्तों मेरे ख्याल से जो आपका एग्जाम है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरी, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने में। ओके गाइस, लाइक कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं।
और हाँ एक बात और, अगर आप इस आर्टिकल को रीड करना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, क्योंकि दोस्तों वीडियो तो आप एक बार देख सकते हो और अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो दो बार देख लेना। और दोस्तों मैंने इस आर्टिकल को लिखा भी है तो आप वहां पे कहां पे learnrsat.com पे जाके इसे रीड कर सकते हो, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दे दूंगा। ओके तो मिलते हैं दोस्तों फिर आरएससीटी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।